उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सोमवार से बीजेपी एक बार फिर से अपने सम्मेलन शुरू करने जा रही है। गढ़वाल संभाग का अनुसूचित जाति का सम्मेलन देहरादून में सोमवार को होगा। इसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम करेंगे। इसके बाद बीजेपी 12 तारीख से विकसित भारत यात्रा में सांसदों की ड्यूटी लगाई गई है। इसमें 5-5 दिन क्षेत्रों में सांसदों को प्रवास भी करना होगा। 16 तारीख से बीजेपी कुमाऊं में सम्मेलन की शुरुआत करेगी। इसमें सिख समुदाय के साथ सम्मेलन किया जाएगा। कल देहरादून में ही गढ़वाल संभाग के अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधियों का एक बड़ा सम्मेलन हम लोग देहरादून में करने वाले हैं, जिसका उद्घाटन हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी समापन सत्र में रहेंगे। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के बैक टू बैक उत्तराखंड दौरे से प्रदेश बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर फ्रंट फुट पर आ गई है। अब पार्टी नेताओं की समझ में आ गया है कि लोकसभा चुनाव में रोजगार ही मुख्य एजेंडा रहेगा। बीजेपी नेता अब लोकसभा चुनाव को लेकर नए जोश में हैं। पार्टी नेताओं को पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के दौरे से लोकसभा चुनाव की पिच मिल गई है। इन्वेस्टर समिट के बाद रोजगार का मुद्दा बीजेपी ने अपने एजेंडे में शामिल कर लिया है, जिसकी शुरुआत पार्टी फर्स्ट टाइम वोटर के बीच में रोजगार के मुद्दे के साथ करेगी। युवा मोर्चा की टीम इसके लिए तैयार की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्चुअल मीटिंग में इसके लिए निर्देश भी दिए हैं। अब उत्तराखंड के अंदर जो सबसे बड़ा इश्यू है वो रोजगार का ही, और उत्तराखंड का युवा भी जान चुका है कि उत्तराखंड का सरकारी नौकरियां सीमित है। जानता हूं कि मेरे यहाँ का उत्तराखंड का जो नौजवान है वो दूसरे राज्यों में जाकर होटलों में बहुत से स्थानों पर छोटे मोटे जो प्राइवेट सेक्टर के बड़े व्यवसाय है उनमें नौकरी करता है। वो उनको अपने राज्य के अंदर वो सब प्रकार की नौकरियां मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का ये प्रयास बहुत ही सराहनीय। वही बीजेपी विधायकों का कहना है कि आज यूथ समझ चुका है कि सरकार रोजगार के लिए नए नए कदम उठा रही है और हम जनता के बीच उन मुद्दों को लेकर जाएंगे। देखिए, इन्वेस्टर जो समिट है वो रोजगार को दृष्टिकोण से देखते हुए ही किया है। जब यहाँ पर उद्योग आएंगे तो निश्चित तौर पर जहाँ पर उद्योग लगेंगे वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। उत्तराखंड में बेरोजगारी हमेशा से ही मुद्दा रहा है। ऐसे में इन्वेस्टर समिट के इवेंट के बाद पार्टी ने भी इसे समझते हुए फर्स्ट टाइम वोटर के बीच जाने की तैयारी कर ली है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विकास पुस्तिका का विमोचन किया। सशक्त नेतृत्व समृद्ध उत्तराखंड नाम की विकास पुस्तिका का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में कई विधायक और मंत्री भी शामिल हुए। विकास पुस्तिका में केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का विवरण दिया गया है। इस मौके पर सीएम धामी ने इन्वेस्ट समिट को सफल बनाने के लिए सभी का धन्यवाद भी दिया। सशक्त नेतृत्व समृद्ध उत्तराखंड के विमोचन अवसर पर मैं सभी विभाग के अधिकारियों को कर्मचारियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि इस पुस्तिका का यहां पर आज विमोचन हुआ है। और निश्चित रूप से इसके माध्यम से सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं उन जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक जाएगा। इन्वेस्टर समिट में 3,00,000 करोड़, 44,00,000 के एमओयू और इसमें भी 44,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की ग्राउंडिंग है। उत्तराखंड में आर्थिक और सामाजिक विकास को नए पंख लगा सकती है। वहीं समिट के बाद सरकार का आगे का प्लान क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में 5 साल बाद हुआ दूसरा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने तय टारगेट से भी ऊपर अचीव करने के लिए चर्चाओं में है। इस अचीवमेंट के पीछे ठोस प्लानिंग रही है। सरकार ने सबसे पहले अपनी 47 पॉलिसियों में संशोधन किया तो पंप स्टोरेज प्लांट जैसी नई पॉलिसियों को भी इजाद किया। नतीजा 2,50,000 करोड़ के तय टारगेट से भी कहीं अधिक 3,50,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। लेकिन असली चुनौती अब इन एमओयू को जमीन पर उतारने की है। सरकार ने इसके लिए यूके SPISE फोरम गठित किया है, जिसमें कई कंसल्टेंट को बतौर निवेश मित्र नियुक्त किया गया है। ये निवेश मित्र अब एमओयू करने वाले इन्वेस्टर और सरकार के बीच ब्रिज का काम करेंगे और प्रोजेक्ट के रास्ते में आने वाली दिक्कतों को
दूर कराने का काम भी करेंगे। इन्वेस्टर क्या सोचते हैं तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक हम लोग नहीं सोचेंगे तब तक हम इन्वेस्टमेंट को आकर्षण करने में ज्यादा सफलता नहीं हासिल कर सकते हैं। एक इन्वेस्टर के तौर पर उनको क्या क्या रियायतें चाहिए और उस पर काफ़ी गहनता से होमवर्क हुई है और उसी का नतीजा है कि हम लोगों के MOU साइनिंग से लेकर और ग्राउंडिंग तक का जो अपना खुद का लक्ष्य है उससे ज़्यादा हम लोग परफॉर्म कर पाए। निवेश मित्रों की तैनाती का मकसद बिना किसी देरी के प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारना है। निवेश मित्र के साथ ही हर विभाग में अपर सचिव लेवल के एक एक अधिकारी को नोडल अफसर नियुक्त किया जा रहा है जो लगातार प्रोजेक्ट की फाइल को मॉनिटर करेंगे। एक अलग से पोर्टल भी होगा जिस पर हर फाइल के मूवमेंट की जानकारी होगी। इसका लॉगिन पासवर्ड इन्वेस्टर के पास भी होगा। हमने भी आपको बताया निवेश मित्रों की तैनाती, इनका काम ही यही है कि 5 करोड़ से ऊपर के जो भी MOU साइन हुए हैं उसके लिए एक डेडिकेटेड निवेश मित्र रहेगा जो लगातार उस इन्वेस्टर को और हमारी गवर्नमेंट सेक्टर के जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके बीच एक सेतु का ब्रिज का काम करेगा। कहीं कोई दिक्कत आ रही है वो हमको अवगत कराएगा और अपने कमेंट्स भी उस ट्रैकर पर लिखता चला जाएगा। कोशिश ये भी है कि अगले 3 महीनों में सरकार 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग के साथ ही कुल MOU का 30-40% प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने का काम शुरू कर दे। समिट की सफलता से CM पुष्कर सिंह धामी भी उत्साहित हैं। CM ने घोषणा की है कि अब हर 2 साल में सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित करेगी। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून के ज्वेलरी शोरूम डकैती कांड में एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। डकैती की योजना में शामिल आरोपी चंदन कुमार पासवान को गिरफ्तार किया गया है। चंदन ने ही बदमाशों के लिए गाड़ियों की व्यवस्था की थी। वारदात से पहले आरोपी चंदन सेलाकुई में एक किराए के कमरे में 10 दिन तक रह रहा था और अपनी पहचान छिपाकर देहरादून जेल में अपने साथियों से मिलने आया था। डकैती कांड में अभी तक कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। देहरादून में हुई ज्वेलरी शोरूम में डकैती मामले का मुख्य सरगना सुबोध फिलहाल बी वारंट पर महाराष्ट्र पुलिस की हिरासत में है। इसको देहरादून पुलिस बी वारंट पर देहरादून लाने की तैयारी में है। इसके लिए पुलिस जल्द कोर्ट में एप्लीकेशन दायर करेगी और अब महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर आरोपी से पूछताछ करेगी। आपको बता दें सुबोध बिहार जेल से अपना नेटवर्क चला रहा था। पुलिस का कहना है कि गैंग ने अभी तक देश के अलग अलग राज्य में करीब 100 करोड़ रुपए की कीमत का 175 किलो सोना लूटा है। सुबह जेल से ही रणनीति तैयार करता है और अपने गुर्गों की मदद से लूट और डकैती की घटना को अंजाम देता है। पिथौरागढ़ में सेना और स्थानीय लोगों के बीच विवाद के आसार कम होते दिखाई नहीं दे रहे। पारंपरिक रास्तों को लेकर गहराया विवाद अब प्रशासन के लिए भी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड का अकेला ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 2 देशों से मिलती हैं। चीन और नेपाल से सटे इस जिले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। मुख्यालय से लेकर लिपुलेक बॉर्डर तक सेना की छावनियां मौजूद हैं, लेकिन अब जहां भी सेना है वहां स्थानीय लोगों के साथ विवाद लगातार गहरा रहा है। मुख्यालय से सटे 22 गांवों का रास्ता बंद होने से हजारों की आबादी को खासी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। हालात तो ये है कि ग्रामीणों को अपने ही खेत खलियान और मंदिरों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। आज सेना ने ऐसी हालत कर दी है कि जो पैमाइशी रास्ते थे जिससे लगातार गाय को चराने के लिए खेती बाड़ी के लिए लोग अपना जाते थे आज फौजने वो सारे बंद कर दिए। अगर सिविलियन के कारण अगर आर्मी को कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उनको जो है वन टाइम सेटलमेंट करके उनको दूसरी जगह बैठा दिया जाए, अन्यथा भाई यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो पहले बसे हैं, आर्मी बाद में बैठी है, तो आर्मी उसके जब वहाँ पर जगह ले लेती तो उसके बाद वो रास्ता बंद कर देती, आर्मी कहती कि आपका रास्ता नहीं है। असल में सेना जिन रास्तों पर अपना हक जताती है उन पर ग्रामीण सदियों से आवाजाही करते आ रहे हैं, बावजूद इसके बीच का रास्ता निकलता नहीं दिख रहा। हालात तो ये है कि प्रशासन के दखल देने के बाद भी सेना के अधिकारी टस से मस होने का नाम ही नहीं ले रहे। विवाद को सुलझाने के लिए कई दफा प्रशासन की टीम मौके पर जा चुकी है लेकिन सेना के अधिकारी हर बार नदारद ही रहते हैं, जिससे प्रशासन के सामने भी अब लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत आ रही है। और इस रास्ते को जो है वो जमाने से प्रयोग करते आ रहे हैं और वो रास्ता ऐसा है कि आगे करीब 20 गांवों को और आगे जोड़ता है
उस रास्ते को बंद होने से लोगों में बहुत ही आक्रोश है, जो हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर की भी प्रॉब्लम है। चीन और नेपाल से घिरे बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा तंत्र की मौजूदगी बेहद जरूरी है। यही नहीं, सामरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सेना को जमीन की जरूरत भी है। ऐसे में बेहतर यही है कि सामरिक जरूरतों को पूरा करने के साथ ही ग्रामीणों की दिक्कतों का भी हल निकाला जाए, ताकि ग्रामीणों को भी सेना को जमीन देने का पछतावा न हो। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। अल्मोड़ा के रानीखेत में एक लड़के ने एक नाबालिग लड़की से रेप किया। बताया जा रहा है कि बेताल घाट के रहने वाले हिमांशु की लड़की से सोशल मीडिया पर दोस्ती थी। उसने लड़की को धोखे से बुलाकर रेप किया। लड़की के परिजनों ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। पौड़ी जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखे एक शव को चूहों ने बुरी तरीके से कुतर डाला। ये शव नौगांव खाल एकेश्वर में तैनात ग्राम विकास अधिकारी राहुल उप्रेती का है। राहुल उप्रेती की तबीयत अचानक से बिगड़ने पर उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और फिर पोस्टमार्टम के लिए राहुल के शव को अस्पताल पहुंचाया गया। मृतक के परिजन ने आरोप लगाया कि मोर्चरी में डीप फ्रीजर खराब था और उन्हें नहीं बताया गया। इसके साथ ही डीप फ्रीजर का दरवाजा भी पूरा बंद नहीं हुआ था। उधर एडिशनल सीएमओ का कहना है कि मॉर्चरी का दरवाजा खराब होने की वजह से चूहों ने शव को कुतरा। ठीक से काम नहीं कर रहा था तो उसमें गैप था, तो जिस वजह से चूहे वहां पर अंदर घुस गए और थोड़ा सा नुकसान पहुंच गया। तो अभी अभी दरवाजे ठीक करने के आदेश दे दिए गए एवं वहाँ पर लगातार रैट किलर का प्रयोग करने के लिए भी कह दिया गया है। मैंने उस टाइम इन लोगों को कह दिया कि आपके जो ये डीप फ्रीजर इसमें तो लॉक ही नहीं है। इन्होंने कहा नहीं नहीं जी ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ यार कि आपकी इतनी बड़ी लापरवाही है। मैंने आपका डीप फ्रीजर सिस्टम इस वजह से हो रखा है आपका कि डीप फ्रीज होने के बाद भी डीप फ्रीज खराब चल रहा है। बोर्ड यही हाल है कि उनका फेस बिल्कुल जो हमारा भाई है उसका फेस जो चूहों से बिल्कुल कुतरा गया है। नैनीताल में जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर भीमताल में पिनरो, मलुआ ताल में गुलदार की दहशत है। यहाँ एक हफ्ते में दो महिलाओं को गुलदार ने अपना नेवाला बनाया। पिनरो के डोब गांव में घास काट रहे महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया। इसके बाद महिला की मौत हो गई। इससे पहले मलुआवा ताल में भी एक महिला की गुलदार के हमले में मौत हो गई थी। रामनगर के कई क्षेत्रों में इन दिनों बाघ का डर बना हुआ है। पटवानी गांव की एक महिला को बाघ ने मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद से वहां डर का माहौल है। पटवानी के बच्चे स्कूलिंग के लिए डेला इंटर कॉलेज पर निर्भर हैं। ऐसे में डरे समय बच्चे अब वन कर्मियों के साथ बंदूक के साए में स्कूल जा रहे हैं और वहां से घर में भी बंदूक के साए में ही वापस आ रहे हैं। वनकर्मी बंदूक से लैस होकर बच्चों को स्कूल छोड़ने रोज जाते हैं, ताकि रास्ते में बच्चों के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि स्कूल का रास्ता जंगल वाला है और बाघ की दहशत लगातार बनी हुई है। रामनगर में गर्जिया मंदिर गेट के पास बाघ की मूवमेंट देखी जा रही है। पिछले दिनों मंदिर के गेट पर एक श्रद्धालु के आगे से अचानक बाघ आ गया। हालांकि बाघ ने श्रद्धालु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन इलाके में बाघ की दहशत है। इसके बाद वन विभाग ने मंदिर के आसपास गश्त बढ़ा दी है। साथ ही बाघ को लेकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। और यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। एक दौर में नैनीताल में माल रोड में शान की सवारी अब इतिहास हो जाएगी। पहले हाथ रिक्शे और अब हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद पैडल रिक्शे भी अतीत के पन्नों में सिमटते जा रहे हैं। नैनीताल के माल रोड पर फर्राटा भरते ये पैडल रिक्शा अब अतीत के पन्नों में सिमटने जा रहे हैं। आम शहरी की ये शान की सवारी हाईकोर्ट के आदेश के बाद धीरे धीरे हट जाएगी। ये रिक्शे खास इसलिए भी हैं कि कभी दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, कादर खान तो इंदिरा गांधी समेत कई सेलिब्रिटीज इनकी सवारी कर नैनीताल के खुशनुमा मौसम का लुत्फ उठा चुके हैं। हालांकि अब इनको हाईकोर्ट के आदेश के बाद हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ट्रेन
माननीय न्यायालय के जो आदेश हैं उसके क्रम में जो ई रिक्शा को प्रमोट करने वाली बात है उस पर काम चल रहा है, परिवहन विभाग भी इस चीज़ को काम कर रहा है, लोगों को भी लगातार मोटिवेट करा जा रहा है कि वो मैनुअल जो रिक्शा हैं उसको छोड़कर ई रिक्शा या अन्य इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को अपनाएं। हमारा तो जो कुछ भी था पहले पैडल रिक्शा ही था, क्योंकि हमने उससे अपने बाल बच्चे पाले पोसे जो भी किया। अब हम उसको चलाने के लिए इतना वो नहीं है कि खींचना पड़ता है, तो जो ये बैटरी आ गई है बैटरी की वजह से हमको जरा सा ऐसा है आसानी है कि चलाने में कोई ताकत नहीं और कुछ कमाई में भी कुछ फर्क है। साल 1858 में नैनीताल में आवाजाही के लिए हाथ रिक्शा था, जिनको हटाकर 1921 में पैडल रिक्शा का प्रचलन बढ़ा, जिनका अधिकार सिर्फ पालिका के पास होता था। पैडल रिक्शा का किराया 2 आने हुआ करता था, जो अब 20 रुपए तक पहुँच गया, लेकिन अब पैडल रिक्शा की जगह ई रिक्शा लेने जा रहा है। हालांकि स्थानीय इन रिक्शों को टूरिस्ट की यादों के लिए रखने की मांग कर रहे हैं। और 1942 में नगर पालिका ने नैनीताल मालरोड में पैडल रिक्शा चलाने की आज्ञा दी और ये पहला यांत्रिक विधिवत यांत्रिक यात्रा। समय के साथ बदलाव तो कुछ जरूरी है, पर मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कुछ बैलेंस चलना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि जैसे रिक्शे ठीक है ऑटो आपके चल रहे हैं, लेकिन उनकी जो हाथ के रिक्शे की सिग्निफिकेंस है वो कहीं ना कहीं रहनी चाहिए, तो कुछ ना कुछ रिक्शे तो मुझे लगता है कि बहरहाल वक्त का पहिया इन रिक्शों के चक्र को रोक रहा है, लेकिन इनका दौर भी ऐतिहासिक रहा है। अब ये माल रोड की शान की सवारी अतीत के पन्नों में सिमट जाएगी, लेकिन इनकी यादें लोगों के जहन में ऐसे ही बनी रहेंगी। न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र मिश्र की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। देहरादून के दून अस्पताल में जाकर सीएम धामी ने स्वतंत्रता सेनानी चेंद्रिया लाल से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना, साथ ही उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की। हरिद्वार के बैरागी कैंप स्थित अखाड़े से 80 साल